नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको बताऊंगा सरस्वती रक्षा कवच के बारे में। पहले सरस्वती यंत्र के बारे में बताया है और कवच के बारे में भी बताया है, लेकिन आज एक बार फिर से सरस्वती कवच के बारे में बताते हैं। परीक्षा में ऊंचे अंक पाने के लिए, जी हाँ दोस्तों, जो भाई बहन बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और अच्छे अंक प्राप्त लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ही पढ़ाई करने के बाद भी कुछ याद नहीं रहता या अच्छे अंक नहीं आते परीक्षा में, तो उनके लिए विशेष लाभप्रद है ये सरस्वती रक्षा कवच। मंद बुद्धि की बुद्धि तेज करने के लिए, बहुत से बच्चों की बुद्धि पढ़ाई में नहीं चलती, खेलकूद में चलती है, तो उनके लिए बड़ा लाभदायक है। और प्रतियोगिता में पूर्ण सफलता के लिए, किसी प्रकार का कंपटीशन है, खेलकूद है, बच्चे उसमें पीछे रह गए हैं या कोई शारीरिक कमजोरी है, मानसिक कमजोरी, मानसिक तनाव है, तो उनके लिए बड़ा विशेष लाभप्रद है। शिक्षा कला में ज्ञान स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, याददाश्त के लिए, कई बच्चे भूल जाते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, कई बार पढ़ाई भूल जाते हैं, याद करने के बाद समय पर लिखते समय याद नहीं रहती, तो उनके लिए बड़ा विशेष करके, काफ़ी बहनें भी सामान यहाँ वहाँ रख के भूल जाती है, तो उनके लिए भी याददाश्त के लिए बहुत लाभकारी है। इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए और लेखक गाने बजाना सीखने वालों के लिए, क्योंकि माता सरस्वती का कवच है, कोई भी कलाकार कला के लिए इसको धारण कर सकता है। रोजाना सरस्वती रक्षा कवच पढ़ें और इसको गले में धारण करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी वजह से दूसरों को लाभ हो सके और आप पे माता रानी कृपा करें। आप भी सरस्वती रक्षा कवच या यंत्र सरस्वती रक्षा कवच पाठ मंगवा सकते हैं हमारे भवन से। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी कवच के बारे में अगली बार हम वीडियो बनाएंगे, आपको मिलती रही, तो इसके लिए पास में लगी जो बेल है उस पर क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल को क्लिक करें, कुछ भी पूछना है कमेंट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। खुश रहो। माता रानी आप पे, आपके परिवार पे कृपा करें। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें और पास में लगे इस बेल पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहें।